Shini bahar di misayan belatel as mayon akarishkha mayon akarishkha sailar ke niyas be osun a jong farishkha jong farishkha. Sarina Hotel Gilgit ke zair ehtimam Gilgit mein ek roza phoolon ki numaish ka inqaad kiya gaya. इस फूलों की नुमाइश में सैकड़ों अकसाम के मुख्तलिफ फूल यहाँ रखे गए हैं और इन फूलों को देखने के लिए मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन यहाँ आ रहे हैं और बिलखसूस ख़वातीन की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इन फूलों में देखी जा रही है और वो बेहद पसंद कर रहे हैं, यहाँ आकर इंजॉय कर रहे हैं. चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर काजिम नियाज ने आज इस एक रोज़ा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं ये समझता हूँ कि सारे एक्टर्स को गवर्नमेंट के साथ मिलके अपने तौर पे भी काविशें करनी है, मिलके भी करनी है. और सरीना का तो यहाँ की सियाहत में एक मेजर रोल है. सरीना हमारा एक एक्टिव पार्टनर है. हमने जब भी सरीना को रिक्वेस्ट की है किसी भी मेजर मेगा इवेंट के लिए, उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ पे लबैक कहा है और आगे भी हम सरीना के साथ मिल के करेंगे इस तरह की काविशें. This is a very good event जी. मेरा ख्याल है फैमिलीज़ के लिए तफरीही मौके गिलगित बल्तिस्तान में रिलेटिवली कम है और ये एक ऐसा इवेंट है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फैमिलीज़ के लिए है. तो मुझे यकीन है इस बात का कि लोग यहाँ पे से मुस्तफीद होंगे और बड़ी तादाद में आज के इस इवेंट में वो शिरकत करेंगे. हमारी प्राइवेट नर्सरीज ने इसमें जिस तरीके से शिरकत की है सरीना के साथ, मेरा ख्याल है वो भी एक बड़ी अच्छी काविश है. टूरिस्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं जी कि इस दफ़ा हम काफ़ी बड़े नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लास्ट ईयर तो जो इंतहाई मोहतात अंदाजे थे उसके मुताबिक भी 1.6 मिलियन आए थे और कुछ लोग ये बता रहे थे जी कि इट वॉज़ अबाउट 2 मिलियन. तो इट वॉज़ एनी थिंग बिटवीन 1.6 to 2 मिलियन. इस दफ़ा हम समझते हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा. तो एक तो उनके लिए अट्रैक्टिव अकोमोडेशन पैकेजेस, इस पे हम सरीना के साथ भी मिलके कुछ हम लो कॉस्ट सॉल्यूशंस पे भी हम जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह लास्ट ईयर एक टूरिस्ट सीज़न को हम एक टूरिस्ट इमरजेंसी के तौर पे देख रहे थे और हमारी पूरी काविश ये थी कि लोगों को मुश्किलात ना आए, रोड्स क्लियर हों, फूड शॉर्टेज ना आए, पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज ना आए, अकोमोडेशन की शॉर्टेज ना आए. इस दफ़ा भी हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे इकदाम इस तरह के हों कि जितना भी बड़ा नंबर आए हम तैयार हों उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए. ताकि फूलों की एक रोज़ा नुमाइश के हवाले से सरीना होटल की मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन अफशा बानो ने पामेर टाइम से खसूसी बातचीत की और उन्होंने कहा, ने सरीना होटल्स की जानिब से फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान में फ्लावर फेस्टिवल का आगाज़ किया है जिसका मेन पर्पस जो है स्प्रिंग को एक तरह से खुशामदीद कहना भी है और लोगों को अमन का मैसेज देना और उनको ये बताना कि गिलगित बल्तिस्तान जिस हिसाब से कुदरत ने खूबसूरत बनाया है उसके अंदर बहुत सारे फूलों से भी जो है हमें नवाजा है, जो कि आज हमने हज़ारों जो है फ्लावर्स से हमने यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है. इसमें ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि यहाँ के कल्चर को ही हम टच कर लें. फूलों की नुमाइश देखने के लिए आई हुई ख्वातीन ने पामेर टाइम्स से खसूसी बातचीत करते हुए कहा, ये जो फ्लावर फेस्टिवल सरीना वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही एक अच्छी इनिशिएटिव है. इससे पहले गिलगित में इस तरह का कोई फेस्टिवल हमने नहीं देखा था, तो ये फर्स्ट टाइम है जो कि सरीना वालों ने फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना इन लोगों ने अच्छा डेकोरेट किया है, इतना अच्छा फेस्टिवल इन लोगों ने रखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन गिलगित. और उसके अलावा सरीना होटल का हमेशा ही अच्छा रोल रहा है हमारी सोसाइटी में प्रमोटिंग टूरिज्म एंड अदर थिंग्स. तो द डेकोरेशन दैट डिड इसके इनका डेकोरेशन देख के इनका हार्ड वर्क नज़र आ रहा है. स्प्रिंग फेस्टिवल देखने आए हैं सरीना होटल में, तो ये गिलगित के इस एरिया में ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम हमने देखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. नेचर के हम अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस कर रहे हैं, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं और इट्स वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग फेस्टिवल.
और वी होप कि अगली दफा भी आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करते रहें। और हम सरना वालों को शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतने अच्छे कलेक्शंस और इतने अच्छे मतलब यहाँ पर जो है सेटअप बनाया इनकी जो है इस एग्जीबिशन पे, हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुल रहमान बुखारी, पामेर टाइम्स, गिलगित।